हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल ESI द फ्यूचर बिलेनियर। तो आइए हम बात करते हैं हमारी ज़िंदगी में काम आने वाली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसे हम सुबह चाय की प्याली के साथ पढ़ना पसंद करते हैं। जी हाँ, मैं न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूँ। सो व्हाट इज़ न्यूज़? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, इट्स न्यूज़। एंड न्यूज़पेपर इज़ द हिस्ट्री ऑफ फंडे ऑफ द वर्ल्ड। न्यूज़पेपर प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, जनरल नॉलेज, न्यूज़ अबाउट इकोनॉमिक सिचुएशन, स्पोर्ट्स, गेम्स, एंटरटेनमेंट एंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड मैनी मोर। रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ ए वेरी गुड हैबिट। इट विल वाइडन योर आउटलुक एंड विल एनरिच योर नॉलेज। बट आज की इस दुनिया में न्यूज़ तो TV, व्हाट्सएप, ट्विटर पर भी मिल जाती है, बट ऑथेंटिकेशन इज मेन इम्पोर्टेंट। सो न्यूज़पेपर वर्ड्स ऑन इट। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं और आप सोचते हो कि ये प्रोडक्ट हम जिंदगी भर यूज़ करेंगे, तो जस्ट बाय दैट कंपनी शेयर फॉर लॉन्ग टर्म। दैनिक भास्कर, DB कॉप लिमिटेड, जी हाँ, आज का शेयर है DB कॉप लिमिटेड, दैनिक भास्कर, जो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा रिटर्न देने की क्षमता रखता है। आइए शुरू करते हैं प्रेजेंटेशन। दैनिक भास्कर दुनिया का 3rd largest न्यूज़पेपर है जो कंटिन्यू ग्रो करता जा रहा है, और इंडिया में देखा जाए तो दैनिक भास्कर नंबर 1 न्यूज़पेपर है दैनिक जागरण और हिंदुस्तान टाइम्स के बाद। दैनिक भास्कर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान में बिल्कुल डोमिनेटेड है। गुजरात, बिहार में भी इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। कन्नड़ा, हिंदी और मणिपुरी मलयालम में भी इसने अभी ग्रोथ दिखाई है लास्ट कुछ सालों में। दैनिक भास्कर 11 स्टेट में 46 एडिशन हिंदी न्यूज़पेपर के प्रोवाइड करता है, गुजराती में 2 स्टेट और 9 एडिशन मराठी में भी प्रोवाइड करता है। इसका खुद का 94.3 MyFM है जो 7 स्टेट में 30 चैनल है। इसका खुद का डिजिटल मोबाइल एंड एप्लीकेशन है जो अभी अभी लॉन्च हुआ है। दैनिक भास्कर अभी COVID-19 में अपने डिजिटल बिजनेस पे भी काफ़ी अच्छा फोकस किया है। इसने अभी मास्क की वैक्सीन का कैंपेन चल रहा है, इसका एक बहुत फेमस जीत करो दुनिया बदलो, आई थिंक आप सभी ने इसका नाम सुना होगा, 2016 में इसने धूम मचाई थी जिसके काफी सारे मिलियन है। आइए देखते हैं एक छोटा सा इसका वीडियो। ये वीडियो सभी सोशल मीडिया पे कंटिन्यू 3 दिन तक ट्रेंडिंग में रहा था। बोलो कैसे? ए, खड़ी हो, चल 50 दफा समझा ली तेरी माँ को, जल्दी कर, जल्दी कर। कितनी बार समझाया तेरी माँ को स्कूल की जरूरत ना है, ना वो मानती है ना तू मानती है। भाई साहब क्या है मास्टर, क्या कर रहे हैं आप? देख नहीं रहा क्या कर रहा हूँ? चल काम कर अपना, तू भी चल। हर बुरी जिद का इलाज है एक अच्छी जिद। दैनिक भास्कर, जिद करो दुनिया बदलो। आइए जानते हैं अब कुछ वर्ड फैक्ट्स के बारे में। इंडिया में आज पेपर की कॉस्ट काफी सस्ती है, एक चाय से भी ज्यादा सस्ती, और अभी एक्सपोजर काफी कुछ होना बाकी है। इस कंपनी का रेडियो बिजनेस 94.3 FM भी काफी अच्छा चल रहा है, 7 स्टेट्स में 30 स्टेशन है इसके। आप देख सकते हैं इसका टोटल रेवेन्यू में कंटिन्यू 10% CAGR ग्रोथ दे रहा है। EBITDA मार्जिन इज ऑल्सो गुड। इस कंपनी का EPS, ROCE एंड पाईबैक और डिविडेंड काफी अच्छा है। दैनिक भास्कर अपनी प्रॉफिट्स की ग्रोथ कंटिन्यू फोकस कर रहा है, उसका ROCE काफी अच्छा है, अपना डेप काफी कम कर रहा है और इसकी स्ट्रांग बैलेंस शीट भी है,
और इस शेयर का प्राइस आज सिर्फ 80 रुपए है। तो जस्ट बाय दिस इक्विटी फॉर लॉन्ग टर्म ओनली। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, फिर मिलेंगे।